हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं अमन ठाकुर आज की वीडियो में हम करेंगे एन आई एस एम फाइव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम रहता है जो जिसे हम एम एग्जाम भी कहते हैं उसका क्रैश कोर्स पार्ट थ्री तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है शेयर्स ऑफ द कंपनीज विद लार्ज कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बड़ी कंपनीज रहती हैं उनके जो शेयर्स हैं और जिनका ज्यादा कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उनके लिए जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी ऑप्शन पहली है हैव ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल सेकेंड है आर मोर लिक्विड नेक्स्ट है आर नॉट अवेलेबल और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अब तो देखिए जो बड़ी कैपिटल मार्केट के साथ जो शेयर्स रहते हैं कंपनीज के वो ना ज्यादा लिक्विड होते हैं है ना तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन देंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स आर तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूनिट होल्डर है ना उसे डिविडेंड से जो इनकम मिलेगी म्यूचुअल फंड के थ्रू है ना वो क्या होगी फुली टैक्सेबल होगी फुली एग्जाम्प होगी पार्शियल एग्जाम होगी या फिर पार्शियली टैक्सेबल होगी तो देखिए जो इनकम किसी भी यूनिट होल्डर को ना डिविडेंड के थ्रू मिलती है म्यूचुअल फंड के थ्रू है ना डिविडेंड के थ्रू मिलेगी ना वो फुली एग्जामेड फ्रॉम टैक्स होती है मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू स्टॉक्स आपको बताना है कि जो वैल्यू स्टॉक्स है ना उसे आप क्या कहेंगे ठीक है ऑप्शन पढ़ते हैं पहले तो हैव हाई करंट डिविडेंड यील्ड यील्ड हाई ग्रोथ इन अर्निंग्स आर करंटली अंडर वैल्यूड और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अब तो देखिए वैल्यू स्टॉक्स जो है ना वो कौन से होंगे जिनमें हाई करंट डिविडेंड यील्ड होगा ना उन्हें हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा अ बेटर परफॉर्मेंस देन द रिटर्न ऑन इंडेक्स इज गिवन बाय अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिटर्न uh, के कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स uh, पे वो किसके द्वारा दी जाती है पैसिव फंड मैनेजर के द्वारा एक्टिव फंड मैनेजर के द्वारा ऑल फंड मैनेजर्स ये दे देते हैं या फिर नो no या नॉन फंड मैनेजर जो है उसके द्वारा ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन बी है कि एक्टिव फंड मैनेजर जो है ना ये बेटर परफॉर्मेंस देता है देन द द रिटर्न ऑन इंडेक्स तो इसलिए ऑप्शन uh, बी जो है यानी कि एक्टिव फंड मैनेजर ये आपका राइट right आंसर आएगा वेन कंपेयरिंग अ परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ इट्स पियर ग्रुप द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंपेयर अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है ना किसके साथ विध इट्स ग्रुप्स तो किस चीज को हम कंपेयर नहीं करते हैं किस चीज को हम कंसीडर ऐसे केस में नहीं करेंगे ठीक तो है तो गई हैं टू डेट फंड्स विद फाइव ईयर मेच्योरिटीज अ ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड विद आईटी सेक्टर फंड अ बॉन्ड फंड विद बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो देखिए इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन बी है अ ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड विद आईटी सेक्टर फंड है ना तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एम सी मस्ट एक्सप्लेन एडवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्सपेंस एस्टिमेट्स फॉर द स्कीम ऑफ एन ऑफर एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर पोस्ट स्कीम इन अब देखिए इस क्वेश्चन में ना ये पूछा गया है कि जो ए रहती हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज वो मीन्स जो वेरिएशन रहती है, uh, है ना किसी भी स्कीम कोई मतलब आपकी जो म्यूचुअल स्कीम है उसमें जो वेरिएशन आएगी किस किस चीज में वेरिएशन है जो एक्सपेंस एस्टिमेट किए गए थे उसमें और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनमें ठीक है उन अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो जो ए हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो उन्हें कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी या कहां पर बताएंगी ठीक है ऑप्शन है फाइनेंशियल न्यूज में बिजनेस चैनल्स ऑन टीवी चैनल डॉक्यूमेंट या फिर एम फी न्यूज लेटर तो देखिए जैसे हम ना टीवी पे चैनल्स देखते हैं जो स्पेशली बिजनेस रिलेटेड चैनल्स रहते हैं है ना तो वहां पर अगर आप देखते हो कि अबाउट शेयर अबाउट म्यूचुअल फंड ऐसी न्यूज आती रहती है है ना तो ये जो ए एम रहती हैं कुछ भी मतलब जो चेंजेस आ रही हैं या वेरिएशन आ रही हैं स्कीम से रिलेटेड है ना तो उन्हें बिजनेस चैनल्स रहते हैं ना जो टीवी पर आते हैं उन पर ये रिप्रेजेंट करते हैं उन पर इन्हें ये न्यूज देनी होती है तो ऑप्शन बी जो है ना ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम्स एंड द बैकग्राउंड ऑफ की पर्सनल ऑफ द एएमसी अब देखिए जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है ना उसका जो की पर्सनल है उसका नाम और बैकग्राउंड ठीक है अब उसको उससे रिलेटेड क्या चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सी सेट बैठेगी यहाँ पे ठीक है ऑफर डॉक्यूमेंट आर डिक्लेयर इन न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि जो देखिए असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भी की पर्सन रहेगा ना उसका नाम या फिर बैकग्राउंड जो है इसे डिस्लोज uh, किया जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट में ठीक है तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड एंड इन्वेस्टर सिलेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी भी फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है मतलब किस उद्देश्य से उस फंड में जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उस फंड का तो और जो इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये कैसे रिलेट करेंगे ठीक है तो ऑप्शन दी गई है कि आर ऑफ नो रेलिवेंस मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है सेकेंड ऑप्शन कह रही है शुड बी सेम एज हिज ओन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब वो सेम होना चाहिए यानी कि इन्वेस्टर का और फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सिमिलर होने चाहिए थर्ड ऑप्शन कह रही है चेंज विद द मार्केट मूवमेंट्स मतलब मार्केट में मूवमेंट जो अप एंड डाउन चलती है उसके साथ चेंज हो जाता है और लास्ट ऑप्शन कह रही है चेंज चेंज विद द इन द एमसी की पर्सनल मतलब जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो की पर्सनल बदलेगा उसमें बदलाव चेंजेस आएंगी कोई नया आ जाएगा तो उसके हिसाब से वो भी चेंज हो जाना चाहिए तो देखिए इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन बी है क्योंकि जो फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ना वो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सिमिलर होना चाहिए तभी उस फंड में पैसा लगा के इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है कोई लॉन्ग रन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा रिस्क वाला फंड में लगा देते हैं कुछ लोगों को होता है कि हमने कम रिस्क वाले फंड में लगाना है तो इसलिए फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टर का दोनों सेम होने चाहिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड Where it spreads the investment in varied stocks and sectors by pooling the funds of various investors is called as dash. अब देखिए इस क्वेश्चन में ना सिंपल शब्दों में ये पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड के आप उस फीचर को क्या कहोगे जहां पर जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा उसे अलग अलग तरह के स्टॉक्स और अलग अलग तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो ऐसे फीचर को आप क्या कहेंगे अफोर्डेबिलिटी कहेंगे affordability कहेंगे, diversification कहेंगे, या फिर profit कहेंगे। तो देखिए ऐसे फीचर को कहा जाता है विविधता हिंदी में हम इसे कहते हैं ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश इज द फेसिलिटी वेयर इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट इन अ म्यूचुअल स्कीम एट रेगुलर इंटरवल्स आपको बताना है कि उस फैसिलिटी को क्या कहते हैं जहां पर इन्वेस्टर अपना फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है और जो पैसा है ना इन्वेस्टमेंट जो उसकी होती है वो रेगुलर इंटरवल्स पर होती रहती है तो ऐसी स्कीम को आप क्या कहते हैं तो देखिए ऐसी स्कीम को ना सिप कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसे कहते हैं ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अलाउज एन इन्वेस्टर टू अ विद्रॉक्स अमाउंट ऑफ मनी प्रियोडिकली तो आपको बताना है कि उस स्कीम को क्या कहेंगे जिसमें जो इन्वेस्टर है ना वो अपना पैसा अमाउंट uh, का मतलब में विद्रॉ uh, भी करवा सकता है तो ऐसी स्कीम को हम क्या कहते हैं तो देखिए ऐसी स्कीम को ना आप एसडब्ल्यू पी कहते हैं सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान तो ऑप्शन बी जो है ना ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन डैश एस टी पी इन्वेस्टर ट्रांसफर्स द प्रॉफिट फ्रॉम वन फंड एंड इन्वेस्ट इन द अदर फंड ठीक है तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे तो देखिए ऐसे प्रोसेस को ना कैपिटल एप्रिशिएशन कहा जाता है ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा डैश इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द इन्वेस्टर्स इन न्यू फंड ऑफर्स यानी कि एनएफ ऑफ म्यूचुअल फंड आपको बताना है कि बैंकों के द्वारा न्यू फंड ऑफर्स जो रहते हैं म्यूचुअल फंड के उसमें जो इन्वेस्टर को फेसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ना उसे क्या कहा जाता है तो देखिये बहुत सारी ऑप्शन दिख रही है हमें इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए एस बी एसे हम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म रहती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ट अमाउंट ठीक है तो इसको आपने याद रखना है ए एस बी ए क्या कहते हैं इसे एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ट अमाउंट ये एक एडिशनल पेमेंट मोड है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है बाय इंडिया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा तो इसको आपने याद रखना है ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड वर्क परमिटेड इन ईयर डैश आपको बताना है कि प्राइवेट सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है ना वो कौन से साल में परमिट किए गए उनको कौन से साल में अलाउ किया गया ठीक तो है 90, 93, 95, 90, तो ऑप्शन दी गई है देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है उन्नीस सौ तिरानवे में इसकी परमिशन मिली प्राइवेट फंड म्यूचुअल फंड की तो प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड की तो ऑप्शन ए यानी कि नाइनटीन नाइनटी थ्री इज द राइट आंसर गोल्ड ईटीएफ आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ आपको बताना है कि जो गोल्ड ईटीएफ रहते हैं ना वो किस कारण इतने ज्यादा पॉपुलर हैं ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम गोल्ड प्राइजेस नॉन लिक्विड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड लास्ट ऑप्शन कह रही है एंट्री एंड एग्जिट लोड तो देखिए इसका जो राइट right आंसर है ना वो ऑप्शन ए है क्योंकि ये ना ट्रांसपेरेंसी इसमें है और दूसरा जो गोल्ड के प्राइस है वो डेली हमें पता चलते रहते हैं रियल टाइम गोल्ड प्राइजेस की वजह से जो गोल्ड ईटीएफ्स है वो इतने ज्यादा पॉपुलर है इसलिए ऑप्शन ए जो है ना ये आपका राइट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश आर द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर एन असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट द मनी गैदर इन टू बोथ डेट एंड इक्विटी आपको बताना है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह कहते हैं जहां पर जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है ना ए जो है वो पैसे इकट्ठा करके दोनों जगह पे इन्वेस्ट करती है डेट और इक्विटी में ठीक है तो ऐसे फंड को आप या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे ऑप्शन दी गई है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और लास्ट ऑप्शन कह रही है बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स। तो देखिए इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन डी है ऐसे फंड्स को बैलेंस्ड या फिर हाइब्रिड फंड्स कहा जाता है क्योंकि मिक्सिंग कर दी गई है ना हाइब्रिड बना दिया गया है तो ऑप्शन डी जो है ना ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन डैश इज बेस्ट सुटेड फॉर द इन्वेस्टर विद मॉडरेट रिस्क एपिटाइट आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है जो कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल रहती है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते मॉडरेट मॉडरेट सा रिस्क ले लेंगे मध्यम सा रिस्क ले लेंगे हाई रिस्क टेकर वो नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो सुटेबल रहेगी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप तो देखिए इसका राइट आंसर है मिड कैप फंड्स जो है ना ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल रहते हैं जिनकी रिस्क कैपिटाइट मॉडरेट सी होती है ठीक है तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा investment in dash funds is best suited for the investors with high risk appetite and have good knowledge of stock market aapko batana hai ki jo investors hai na jo jyada risk lena chahte hain hai na aur unhe stock market ki achhi knowledge bhi hai तो उनके लिए कौन से funds जो हैं वो suitable रहते हैं Large cap, mid cap, small cap या फिर multi cap तो देखिए इसका राइट right आंसर है स्मॉल कैप फंड्स जो है वो सुटेबल रहेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है साथ ही साथ हाई रिस्क टेकर भी वो हैं तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा डैश फंड इन्वेस्ट इन अनदर इंटरनेशनल फंड्स विच इन टर्न इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द फॉरन स्टॉक्स आपको ऐसे फंड बताना है जहां पे इंटरनेशनल फंड्स में पहले तो पैसा लगाया जाता है और फिर वो डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसे ठीक है तो ऐसे फंड्स को आप क्या कहते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल हाइब्रिड फीडर इन्वेस्टमेंट्स थमेटिक इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो देखिये ऐसे फंड ऐसी इन्वेस्टमेंट को ना फीडर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्योंकि जनरली क्वेश्चन को पढ़ के हमें लगता है कि ये तो फॉरन इन्वेस्टमेंट होगा है ना पर ऐसे स्टॉक्स को या ऐसे फंड्स को क्या कहते हैं फीडर इन्वेस्टमेंट कहते हैं ऑप्शन बी जो है ना ये आपका राइट right आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 65 इन डोमेस्टिक इक्विटीज एंड बैलेंस 35 परसेंट इन द इंटरनेशनल इक्विटीज अब देखिए ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे जहां पर पैंसठ तो डोमेस्टिक इक्विटीज में लगाया जा रहा है, है ना और बाकी का जो 35 परसेंट पैसा है उसे इंटरनेशनल इक्विटीज में लगाया जाएगा तो ऐसे फंड्स को क्या कहते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल को क्या कहेंगे ऑप्शन है डोमेस्टिक इंटरनेशनल हाइब्रिड फीडर इन्वेस्टमेंट थमेटिक इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए फीडर का तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है ना तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हो रही है मिक्सिंग कुछ पैसा लगा रहे हैं डोमेस्टिक में और कुछ लगा रहे हैं इंटरनेशनल में यानी कि हाइब्रिड कर रहे हैं तो ऑप्शन ए यानी कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल हाइब्रिड जो है आ, ऐसी ऐसे केस को या ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहा जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अब देखिए यहां पे कहा गया है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है ना और जो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो किस चीज के बारे में रहेगी चेक करते हैं ऑल स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इन द कैपिटल मार्केट ऑल स्कीम्स लॉन्च बाय द पर्टिकुलर फंड ड्यूरिंग लास्ट थ्री फिजिकल इन एंड नन ऑफ द अब स्कीम्स कंपनीज इन विच द इन्वेस्टमेंट इज प्रपोज तो देखिए इसका जो राइट right आंसर है ना वो ऑप्शन बी है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है ना उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहेगी और साथ ही साथ मेमोरेंडम में जो सारी स्कीम्स पर्टिकुलर फंड के बारे में लास्ट तीन फिजिकल में रहेगी ना उनके बारे में जानकारी इसमें रहती है तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ना ये आपका राइट right आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑफर डॉक्यूमेंट द फंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर समराइजिंग एसोसिएट ट्रांजेक्शन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम फॉर द लास्ट देखिए इसका आंसर तो आपको लास्ट क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है ना तो उसमें जो भी फंड से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड ट्रांजेक्शन है या परफॉर्मेंस है स्कीम की तो उसमें कितने सालों तक का वो इंफॉर्मेशन रहेगी है ना तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी तीन जो फिजिकल ईयर्स रहेंगे लास्ट थ्री लास्ट फिजिकल ईयर्स की जानकारी फंड के बारे में पूरी रहेगी ऑफर तो डॉक्यूमेंट में तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ने में पूछा क्या है कि म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू बोरो म्यूचुअल फंड्स में क्या हम पैसा उधार भी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में जो हमने इन्वेस्ट किया है और ले सकते हैं तो कब ले सकते हैं ऑप्शंस हैं फ्रीली टू मीट देर रिक्वायरमेंट्स मतलब कोई भी इन्वेस्टर है उसने कहा कि मुझे उधार दे दो म्यूचुअल फंडा लगाया था मेरी उन्हें करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर लिए या फिर ओनली टू मीट द रिडे डिमांड्स और लास्ट ऑप्शन कह रही है नॉट अलाउड एट ऑल तो देखिये इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है कि रिडेमशन के डिमांड्स के केस में म्यूचुअल फंड में हम पैसा बॉर ले ले सकते हैं पर उसके लिए परसेंटेज रहती है डिपेंडिंग अपॉन नेट अट वैल्यू वगैरह ठीक है तो उसी केस में ये हो सकता है इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी रिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप एज एम दिस इज अब देखिए कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सेबी ने ना ये रिस्ट्रिक्शन की हुई है Uh, किस केस में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के केस में uh, कि सेम कंपनी जो है सेम ग्रुप जो है वो ए है है ना और सेम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो मतलब उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है तो क्या ये बात सही है या फिर नहीं सही है चेक करना पड़ेगा तो पहली ऑप्शन कह रही है नॉट ट्रू इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अप्लाइड ओनली टू सम म्यूचुअल फंड नॉट ऑल नॉट फेवरेबल टू इन्वेस्टर्स एट ऑल तो देखिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना सेबी के द्वारा ये सिर्फ इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करने के लिए यह किया गया है तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको बताना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनमें से कौन नहीं कहलाएगा बैंक रेजिडेंट इंडिविजुअल्स प्रोविडेंट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज तो देखिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है ना वो है हमारे ऑप्शन बी यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होंगे बैंक भी प्रोविडेंट फंड भी एनबीएफसी भी है ना पर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में नहीं आएंगे ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है इसे ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इसका जो राइट right आंसर है वो मुझे आपने कमेंट करके बताना है क्वेश्चन है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल असेट आपको बताना है कि फिजिकल असेट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है फिजिकल असेट है ना बैंक डिपॉजिट यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शेयर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म या फिर रियल एस्टेट तो इसका राइट right आंसर बहुत इजी है रियल सा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक